हिंदी में बताओ तो, एक पाठ में क्या क्या आता है? काफिला जा रहा था बगदाद की ओर, तो वहां रास्ते में ही डाकुओं ने उस काफिले को हमला मोड़ दिया उस पे, काफिले में 63 हमला नंबर बोल रहा है ना? मोड़। ओके फिर। बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो काफिले में नंगे उस गुंडा हिंदी में क्या है, किससे बेटा? डाकुआ सब लोगों के पास मांगने लगे, तुम्हारे पास कुछ है जो मांगते हैं उसे हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं, कि वो क्या करने लगे? क्या करने लगे? लूटमार। हाँ, लूट मार करने लगे। फिर 7 साल का बच्चे के पास गए डाकू के, तुम्हारे पास कितने कुछ साल है? का था? कितने साल का था? 5 साल का था, 9 साल का था। कितने साल का नौ था? साल का नौ साल का 9 साल। नौ साल का था। उसको उसने डाकुओं ने पूछा कि तेरे पास कुछ ही है चीज, तो वो बच्चे बालक या बच्चे ने कहा कि हाँ मेरे पास 40 असरफिया है। तो डाकू डाकू डाकुओं ने डाकू को डाकुओं ने क्या पूछा उससे? हाँ उससे पूछा कि तेरे पास पैसे है तो तूने तूने छुपाया नहीं? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके पास वो पैसे थे, उस उसे हम क्या कहेंगे? उसे कुछ हाँ नाम था, मैंने आपको कल बताया था। अशरफिया। हाँ फिर तो फिर मित्र। डाकू के सरदार के पास वो डाकू गया, उसने कहा कि ये 9 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे पास 40 असरफिया है। मैंने पूछा कि तूने क्यों सच कहा मुझे, तो उसने कहा कि मेरे मम्मा ने कहा है कि कोई कुछ भी हो जाए पर झूठ मत बोलना। तो फिर डॉक्टर ने फिर मेरा नहीं बचा, आगे आगे नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा। तो कुछ मैंने याद आता कल है कि आपको मैंने कल पढ़वाया मिस था, तब आप, बोलूं हाँ, आपका क्या? रोल नंबर कौन है, कौन सा है ओ बेटा? कल्लो जासीता रोल नंबर। ओके बोलिए, चलो पहले से बोलना। हाँ हाँ मिस, मैंने मैंने नहीं समझाया। हमने हेलो मिस, कल लर्न बोलो। किया था, मैंने समझाया नहीं था, हमने कल लर्न किया था पूरा पाठ जो है वो एक दो बार लर्न किया था। हेलो मिस, हाँ बोलो बेटा। बोल हाँ बोलो। बोल बोलो बेटा। मिस, एक समय की बात है, एक पढ़ना लंबा नहीं है, पाठ नहीं पढ़ना है, उसमें क्या नहीं क्या बताना, बातें हैं वह आपको बतानी है। मैं सुन उसमें आपने समझाया था कि एक समय था, उसकी बात है, वो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, वो एक पाठ चुपचाप नहीं खड़ा पढ़ना है, आप तो पाठ पढ़ रहे हो, मुझे पता है, पाठ नहीं पढ़ना। तो एक डाकू की उस नजर पड़ गई उस 9 वर्ष के बच्चे पर। उसने उसके पास गया वो डाकू और पूछने लगा कि तेरे पास क्या है। तो उस लड़के ने कहा कि
मेरा पास 40 रुपए है। वो डाकू पूछने लगा कि तूने छुपाया नहीं, तो उसने बोला कि मेरी माँ ने झूठ बोलने की मेरी माँ ने झूठ बोलने का ना माँ बोली। फिर वो उसे ना डाकू राजा के पास ले जाते। राजा ने कहा कि तू भाग नहीं सकता था और 40 रुपया है, वो झूठ नहीं बोल सकता था, तो उसने बोला मेरी माँ ने झूठ। यहाँ पर राजा की बात आती है पाठ में? नहीं, सरदार नहीं, डाकू के सरदार पास लेंगे। ओके, डाकू के सरदार ने बोला कि तू झूठ नहीं बोल सकता था, भाग नहीं सकता था, तो उसने बोला मेरी माँ ने झूठ बोलने की ना पाली, उसको मना किया है, मना किया है। फिर वो सरदार था ना, उसने उसने ये बोला कि ये सब इसको ही छोड़ दो और वो सब डाकू को भी छोड़ दो, इसके उसके आगे को छोड़ दो। मिस मैं पूरा कहूँ 88? हाँ बोलो बेटा। एक दिन की बात है, एक काफिला बगदाद जा रहा था, तो गुंडे टूट पड़े, लूट मार करने लगे। हाँ, डाकू लूट मार करने लगे। फिर एक बच्चा आया, तो उसने डाकू ने पूछा कि तेरे पास कितने रुपया? उसने कहा मेरे पास 40 रुपया। सीधा उसने यही पूछा कि तेरे पास कितनी अशर्फिया है, सीधा उससे पूछा कि पूछा पहले कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास 40 अशर्फिया है, तो उन्हें सरदार के पास ले गए। फिर सरदार ने पूछा तुम्हारे पास कितने अशर्फिया? तो उसने कहा मेरे पास 40 अशर्फिया है। तो उसने कहा कि तूने झूठ नहीं बोला? तो वो बच्चे ने ये कहा कि मेरी माँ ने ये मुझे झूठ बोलना मना किया है। तो फिर उसने कहा कि इसे छोड़ दो बच्चे को और तुम भी छोड़ दो। तो के तुमने झूठ नहीं बोला? इके नहीं, मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया। फिर उसको छोड़ दिया, उसका नाम अब्दुल कादिर है। वेरी गुड। फिर पूरा ऐसा बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आपका नंबर कौन सा है बेटा? हाँ बोलो बेटा, अभी तो आपने बोला। ओके चलो, यहाँ पर 11वां पाठ जो है अब्दुल कादिर, वाह। हाँ बोलो बेटा। हाँ मिस, मैं अधूरी कहानी की थी ना मिस। हाँ तो पूरी करना चाहता हूँ मिस। मैं बोला था 93 नंबर। ओके चलो, 63 कहानी अधूरी थी, वह पूरी कर दे। हाँ मिस, मैंने कहा था ना कि उस लड़के ने वो डाकू के सरदार के पास ले गए डाकू, और डाकू ने पूछा कि बेटा तूने झूठ क्यों नहीं बोला मेरे पास, कि मेरे पास 40, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे मम्मी ने कहा है कि झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। फिर डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने भी मेरे को कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 9 साल का बच्चा मुझे सिखा कर चले गए कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड। जो डाकू थे उसके मन में परिवर्तन आ गया कि मेरे को लूट मार नहीं करनी चाहिए, मैं मेहनत करके पैसा कमा सकता हूँ। वेरी गुड। तो ये लूट मार क्यों कर रहा हूँ मैं?
फिर डाकू सरदार ने सब डाकू को कहा कि ये जे बगदाद सामान लिया है, सामान लिया है वो सबको वापिस दे दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम मेहनत करके जो कमा सकते हैं वो किसी के पास लेकर नहीं खा सकते। फिर वो बच्चा अब्दुल कादिर था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब सच्चा बालक जो पाठ है उसे एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसमें से प्रश्न के उत्तर, शब्द समूह के लिए एक शब्द, विकल्प, खाली जगह, सभी कुछ है वह हम करेंगे। ओके, यह जो काफिला है आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा काफिला है, वह बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि लोगों का समूह, गुजराती में जिसे हम टोळुं कहिए छे, शू कहिए छे, लोकोनुं टोळुं, बराबर। तो इसी प्रकार यह जो काफिला था, यह जो लोगों का समूह था, वह बगदाद की ओर जा रहा था। पहले के समय में हम जो एक वाहन में बैठकर आज एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से पहुंच सकते हैं ना, तो पहले के समय में ऐसी वाहनों की सुविधा नहीं थी। लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो 10-15 दिन महीने अगाव ही निकलते थे और वह एक गांव या शहर चलकर जाते थे। तो इसी प्रकार यह समूह बगदाद की ओर अपने जो घर के साधन है, अपने घर के सदस्य है, उन सभी को लेकर जा रहे थे। और वह जब जाते थे तो बीच बीच में रास्ता आता था, बीच में जंगल आता था, बीच में मैदान आता था, सभी कुछ रास्ते में पड़ता था। तो इसी प्रकार यह काफिला जा रहा था, उसमें एक 9 साल का बालक था। कितने साल का था? 9 साल का। और जब वह यह जा रहे थे तभी बीच में उन लोगों को डाकू ने रोक दिया। क्यों? तो के लूटमार करने के लिए। और कहा उसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो नीले साफे बांधे हुए हैं यह सारे डाकू हैं, दिखाई देते हैं ना मैंने राउंड किए वह। ओके, और उसके हाथ में यहाँ पर नीचे देखिए हथियार भी है। तो वह हथियार दिखाकर लूटमार करने लगे और छोटे बड़े वृद्ध जो थे सभी को कहने लगे कि चलो आपके पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो। सभी लोग डर गए थे और सभी लोगों ने जो कुछ भी था वह उसे दे दिया। अब नहीं देते तो हो सकता है वह हथियार से हम पर हमला करते, हमारी जान चली जाती और हमारे पास जो कुछ भी है वह ले लेते। तो इसीलिए लोगों ने राजी खुशी से अपने पास जो जो था वह डाकू को दे दिया। अब यह सब जो लूटमार डाकू कर रहे थे, वह एक छोटा सा यहाँ पर बालक दिखाई देता है, टोपी पहना हुआ दिखाई देता है ना सबको बेटा। हाँ, तो वह बच्चा है, वह दूर खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वह काफिले में अकेला ही आया था। उसकी माँ, उसके भाई कोई नहीं था, उसकी माँ घर पर थी, तो वह अकेला ही आया था। और जो डाकू जिससे भी लूट करते थे वह एक और खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। तभी डाकू उसके पास आता है और उस बच्चे से पूछता है, ए लड़के, तुम्हारे पास कोई चीज है तो हमें दे दो। तो लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है, आज जो हम हमारे पैसे जो है वह कागज की नोटों के पैसे है ना, तो उस समय सोने के सिक्के यानी अशर्फियों का व्यवहार होता था। चीजें खरीदने पर जो अशर्फिया थी उसका लेन देन में व्यवहार होता था। तो लड़का बता रहा है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। तो यह जो डाकू है वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्या तेरे पास 40 अशर्फिया है?
तो यह जो छोटा बालक है वह कहता है हाँ मेरे पास 40 अशर्फिया है। फिर वह इस बच्चे को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाता है और उसे कहता है कि यह लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। तो डाकू का सरदार भी उसे पूछता है कि क्या सच में तेरे पास 40 अशर्फिया है। तो लड़का कहता है कि हाँ। तो सरदार कहता है तो 40 अशर्फिया कहाँ पर है, दिखाए तो नहीं देती। तो अब्दुल कादिर जो है उसने जो सदरी पहनी हुई थी उसे वह फाड़ कर उसके अंदर जो उसकी माँ ने अशर्फिया छिपाई थी वह निकाल कर उस डाकू के सरदार को बताता है कि देखिए मेरे पास यह 40 अशर्फिया है। अब डाकू का सरदार है वह उसे पूछता है कि हमें तो पता भी नहीं था कि तेरे पास 40 अशर्फिया है और तुम्हारी माँ ने भी इसी प्रकार, यानी कि वह पूछते हैं कि इसी प्रकार छिपाने का तुम्हें किसने बताया कि इस तरह छिपानी चाहिए। तो यह जो लड़का है वह बताता है कि इस प्रकार सदरी के अंदर मेरी माँ ने सिलाई करके इस अशर्फियों को छिपा दिया था। डाकू उसे कहता है कि यह अशर्फिया तो छिपी हुई थी, हो सकता था कि तुम हमें न बताते तो पता नहीं चलता, तो तुमने हमें क्यों बता दिया। तो यह बालक कहता है कि मेरी माँ ने बताया है कि हमेशा जीवन में सच ही बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। फिर डाकू का सरदार मन ही मन सोचता है कि हो सकता है कि इसे हम जान से मार दे यदि वह हमें अशर्फिया न दे। तो फिर भी उसने झूठ नहीं बोला और सच बोला, और वह भी अपनी माँ के कहने पर, यानी कि उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा जीवन में हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह उसने माँ ने बताया तो भी कठिन समय में भी उसने झूठ नहीं बोला। तो फिर हम तो ईश्वर के, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने तो हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख दी है, नेक रास्ते पर चलना सिखाया है, यानी कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना बताया है। फिर भी हम लोगों के साथ लूटमार करते हैं, उसकी जान लेते हैं, यह बुरे मार्ग पर चलते हैं। तो यह छोटे बालक की बातों से उस बड़े उम्र वाले डाकू के हृदय का परिवर्तन हुआ और डाकू वह मन ही मन पछतावा करने लगा कि हमें तो खुदा ने नेक रास्ते पर चलने के लिए बोला है, फिर भी हम लूटमार कर रहे हैं। तो यह छोटा सा बालक सच्चाई के रास्ते पर मुसीबत होने पर भी चल सकता है, तो हम खुदा के बनाए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलते। तो इसी प्रकार उसे हृदय में पछतावा होता है और वह अपने सभी डाकू भाइयों से कहता है कि हमें अब नेक रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई के रास्ते पर चलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोटा बालक माँ के कहने पर मुसीबत में, संकट के समय में सच राह पर चल सकता है। तो हमने तो खुद खुदा ने किया बताया है कि नेक रास्ते पर चलना। तो उसके डाकू साथी थे उस उन्होंने भी कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो इसी प्रकार डाकू जो है उसके हृदय परिवर्तन में यह छोटे से 9 साल के बच्चे का बहुत ही भाग है, यानी कि बहुत ही उसकी बातों का प्रभाव उस डाकू पर हुआ और उसके हृदय का परिवर्तन हुआ। और तब वह अपने डाकू भाइयों से कहता है कि हमने जो सब काफिले के लोगों का
सामान जो लूट लिया है वह तुम उसे वापस कर दो। तो इसी प्रकार सब डाकू जो है वह जो सामान सभी लोगों से लूट लिया था वह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा सामान उन्हें वापस कर रहे हैं। और फिर तभी से वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी लूटमार नहीं करेंगे, हम कभी बुराई के मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार यह छोटे से बालक ने बड़े उम्र वाले डाकू के हृदय का भी परिवर्तन कर दिया। तो इस छोटे बच्चे का नाम अब्दुल कादिर था। आपको परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था, तो उस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वेरी गुड। और अब्दुल कादिर जो है वह जब बड़ा हुआ तो एक महान संत बना। संत यानी कि आप जिसे फकीर कहते हो, बराबर। तो एक महान संत बना और बगदाद में आज भी उसकी समाधि मौजूद है और कई लोग हैं जो अब्दुल कादिर है वहां पर उसकी समाधि है और उसकी समाधि के लिए लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? हेलो रमेश, तो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? इस पार्ट से कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हम्म, 93 नंबर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहूंगी। वेरी गुड। हमें सच्चाई के मार्ग पर, नेक रास्ते पर चलना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में झूठ बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि झूठ बोलने वाला जो मार्ग है ना, हमारे जीवन में 2 मार्ग हमें मिलते हैं। जैसे कि 1 सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में 2 मार्ग होते हैं। झूठ बोलने पर हो सकता है कि हमें जल्दी सफलता मिले, हमारी मंजिल जल्दी से हम प्राप्त करें, मगर उसमें एक डर सा रहता है और उस डर के कारण हमें भय भी उत्पन्न होता है। मगर जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती है, उसके लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है, मगर वह निडर होकर सीना तान कर वह उस मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। और जब वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसे एक सुकून और शांति मिलती है। तो इसी प्रकार हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलने की बात इस कहानी में की गई है। चाहे कोई भी मुसीबत हो, मुश्किली हो, जो हो सकता है कि अब्दुल कादिर झूठ बोलकर वह सारी अशर्फियां बचा सकता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मगर अब्दुल कादिर ने ऐसा नहीं किया। भले ही डाकू शायद उसे मारकर वह अशर्फियां ले ले, मगर उसने हमेशा सच का साथ दिया। तो इसी प्रकार हमें कोई मनुष्य सच्चा है तो उस सच में उसका साथ देना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आपने तो बहुत सारे किस्से मोरल्स के सुने हुए हैं, बहुत सी कहानियां भी सुनी हुई है। तो ऐसी कोई कहानी या किस्सा है जो इस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलने की सीख हमें देता हो, किसी को पता है? मुझे पता है बॉयस, पता है? हाँ तो आप बोलिए। गांधी जी। हाँ मगर किस प्रकार, किस प्रकार देश को आजाद कराया?
हाँ वो तो मैंने आपको कल बताया था ना। हाँ मिस वही है। हाँ, तो दूसरा कोई किस्सा हो मोरल्स का या कोई पाठ में ऐसी कहानी आई हो आपको पता हो। हेलो मिस, हाँ बोलो बेटा। मिस फादर गुजराती में पदर पाठ क्या मिस उसमें एक तो, हाँ मिस उसमें से ने गणनी गर्म ने उसका चारण कैसे लिया था। उसने वडोदरा घोड़े बेचने जा रहा था ने वो वापिस आ रहा था ने उसने वडोदरा में घोड़े नहीं बेचे और फिर वापिस आ रहा था ने तो कोई किराएदार उस घर घर वाले को किराया नहीं देते थे ने तो वो उसके सामान सब बाहर फेंक रहे थे और छोटे छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे कि मेरे पास घर भी नहीं है। तो फिर वो कैसे दिया था ने उसने उसको कोई जान पहचान भी नहीं थी उसकी उसके उसकी मदद की। हाँ तो उसकी मदद की फिर वो उसने वो उसके मम्मी पापा ने कहा कि आपका नाम तो बताओ जी आपको मेरे बच्चों की कसम। तो उसने कहा कि मेरा नाम केसरिया है गांव मेरा गणनी। फिर 2 साल बीत गए फिर एक दिन उसके जो जो कमरे पाए ने उसने उसको बुलाया कि चलो सुबह ने आपको बुलाया है उसके सैनिक ने। तो उसने सैनिक उसको और फिर उसने उसके सुबह सुबह ओला राजमहल में गया और सुबह उसका बहुत इंतजार कर रहा था कि कब केसरिया आएगा मैं उसके साथ मिलूंगा। तो वो केसरिया जब को महल में कदम रखता है ने दौड़ कर सुबह उसके गले लग जाता है बोला और सुबह बोलता है कैसे दिया तुम मुझे पहचाने मैं तुमने जिस वो किराए मेरी मदद की थी। तो कैसेरियो को कैसेरिया ने कैसेरिया पता नहीं उसको ऐसा लगा कि ये मेरी ठेकड़ी कर रहा है मस्ती कर रहा है। तो फिर उसकी राजगादी पर उसको बैठाया और फिर उसको उसने उसको कहा कि तुमने मेरी मदद की थी अब मैं तुम जो मांगोगे वो मैं दे सकता हूँ मांगो। तो कैसे यह कहता है कि तुम कैसे दिया तुम जो मांगो के मैं दे सकता हूँ अब। तो कैसे लिया कोई मांग कुछ नहीं मांगता। तो फिर वो सुबह ने सिपाहियों को कहा कि सुबह ने कहा कि तान पत्र पत्र लाओ वो कैसा स्टील का बना उसमें लिखा आया कि चांद सूरज जब तक रहे तब तक गणनी काम कैसे दिया बोलो कैसी उसकी मदद की। वेरी गुड। देखो इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे पास जो कुछ भी है ना वो हमारे हिस्से का हम दूसरों को देकर उसकी सहायता करते हैं उसकी मदद करते हैं। तो वह उसका एक ऐसा क्षण होता है कि जिसमें हमारी मदद के कारण वह जीवन में इतना आगे बढ़ जाता है कि वह जीवन भर हमें नहीं भूलता। जिस प्रकार केसरिया को वह आदमी नहीं भूला तो इसी प्रकार हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि सच्चाई के मार्ग पर कठिनाइयों में भी सच्चाई का साथ न छोड़कर हमने किस प्रकार अपनी मंजिल को प्राप्त करना है वह हमें पता चले। आप लोग सुन रहे हो ना बेटा बॉयज। ओके तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ सुन रहे हैं। ओके तो मैं आपको ऐसी और कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी
जिसमें एक इसी प्रकार का लुटेरा है जो एक महान संत और फकीर बनता है। तो उसमें एक वालिया था, वालिये लुटारे की कहानी शायद आपने सुनी होगी या आपकी पढ़ाई में आई होगी। तो वालिया लुटारा है वह भी इस पाठ में, जो लुट स्पीकर सभी लोग बंद कर दीजिए बेटा, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। तो वह किस प्रकार जंगल में सभी लोगों को परेशान करता था, लूटता था और लोगों को मार भी देता था। यदि कोई चीज किसी ने न दी तो उसे मार कर भी वह ले ले।